तो क्योंकि यहाँ पे बहुत इश्क मोहब्बत की बात हुई, बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो आप सबको, आप सबसे मुतासिर थी, तो कुछ ऐसी बातें करता हूँ जो नहीं हुई हैं। कुछ आपको 90 के इश्क के दौर पे ले चलता हूँ। तो हाँ, मान लो, मतलब ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अज़र साहब, आप बैठे हैं, अदबी शायरी भी करता हूँ, लेकिन शुरुआत यहाँ से करूँगा आप लोग को बेहतर जोड़ने के लिए। वेरी गुड। मैं तेरी रहनुमाई की कहानी लेके बैठा हूँ, मैं तेरी रहनुमाई की कहानी लेके बैठा हूँ, हुई जो हाक तुम पे वो जवानी लेके बैठा हूँ, जो तेरे वास्ते मैंने कभी एक नज़्म लिखी थी, उस एक तरफे से रिश्ते की निशानी लेके बैठा हूँ, मैं तेरी रहनुमाई की कहानी लेके बैठा हूँ, कभी कॉलेज के बागीचे से जो एक फूल तोड़ा था, किसी कॉपी के पन्नों में उसे जो रख के छोड़ा था। मेरे खड़े होने के पीछे एक पर्पस था, पीछे वाले नजर नहीं आ रहे थे जो ताली नहीं बजा रहे हैं, अब नजर रखूंगा। कभी कॉलेज के बागीचे से जो एक फूल तोड़ा था, किसी कॉपी के पन्नों में उसे जो रख के छोड़ा था। अज़र साहब, मैं अब भी कॉपियां सारी पुरानी लेके बैठा हूं, मैं तेरी रहनुमाई की कहानी लेके बैठा हूं, तेरे दीदार के खातिर कभी जो क्लास छोड़ी वो, तेरी गलियों में फिरते आशिकों की टांग तोड़ी वो। सो मत, तुम सबने किया मुझे पता है। मैं अब भी हरकतें सारी दीवानी लेके बैठा हूं, मैं तेरी रहनुमाई की कहानी लेके बैठा हूं। इसका एक आखिरी बंद देखिएगा। आज कई लोगों ने नीला पहना हुआ है, मैं सफेद पहन के आया हूं, लेकिन हमारे जमाने में लड़कों के पास 90 के दशक में ज्यादा कलर ऑप्शन होते नहीं थे। जैसे अभी ये मेरा छोटा भाई रेड कलर का कुर्ता पहने बैठा है, अगर मैंने उस टाइम पहन लिया होता तो मेरे पिताजी ने कहा होता तो मैं इसी दिन के लिए सलीम दरगाह की चिश्ती से मांगा था मैंने। तो कभी बोला था तुमने रंग नीले में मैं छिछता हूं, जरा सा हंस के बोला था किसी हीरो सा लगता हूं, लेकिन जब ये सारा दौर बीत जाता है तो जय तो है, लेकिन क्या हुआ कि फिर 1200 स्क्वायर फीट में आप क्या लेकर बैठते हैं वो बता रहा हूं आपको। जरा सा हंस के बोला था किसी हीरो सा लगता हूं, मैं भी शर्ट सारी आसमानी लेके बैठा हूं, मैं तेरी रहनुमाई की। अब आप लोग को थोड़ा सा हंसा दिया है, अब आप लोग को थोड़ी सी अदबी शायरी की तरफ लेकर चलता हूं। समंदर का किसी की प्यास से वादा नहीं होता, समंदर का किसी की प्यास से वादा नहीं होता, है पर दरिया उसी के पास जो प्यासा नहीं होता। और मुझे देखा जिन्होंने मंजिलों पे रश्क रखते थे, मुझे देखा जिन्होंने मंजिलों पे रश्क रखते थे, उन्हें पैरों के छालों का तो अंदाजा नहीं होता, उन्हें पैरों के छालों का तो अंदाजा नहीं होता। और न लौटो आधे रस्तों से यूं ही थक कर, जरा सुन लो। कुछ दिनों पहले की बात है, बासाब कलामंथन से थोड़े दिनों के लिए अलग हुआ था, सुनना।
ना लौटो आधे रस्तों से, यूं ही थककर जरा सुन लो, सफर मंजिल का तालिब है ये कम ज्यादा नहीं होता, सफर मंजिल का तालिब है ये कम ज्यादा नहीं होता, ना लौटो आधे रस्तों से, यूं ही थककर जरा सुन लो, सफर मंजिल का तालिब है ये कम ज्यादा नहीं होता, समंदर का किसी की प्यास से वादा नहीं होता, और है शोहरत वो किला जिसमें हुनर की सीढ़ियां भी हैं। गौरव भाई, है शोहरत वो किला जिसमें हुनर की सीढ़ियां भी हैं, यहां जाने का कोई चोर दरवाजा नहीं होता, यहां जाने का कोई चोर दरवाजा नहीं होता। एक छोटी सी गजल बात अरुण आप लोग के सामने पेश करना चाहता हूं। देख तो ले मुझे नजर करके, देख तो ले मुझे नजर करके, कौन आता है, कौन आता है लौट मर करके, देख तो ले मुझे नजर करके, मुझसे कुछ प्यार करके भी देखो, मुझसे कुछ प्यार करके भी देखो, नफरतें थक गई असर करके, देख तो ले मुझे नजर करके। आपकी दाद मिले, एक कृष्ण बिहारी नूर साहब का शेर है कि मेरे सुनने वाले अपने अपने चाहने वालों में खो गए, मैं गजल कह के भी यूं अकेला रह गया। तो मुझे पता है आप लोग कहीं खोए हुए हैं, वापस लौट कर आए। तो देख तो ले मुझे नजर करके, ये मरासम भी देखो शीशे हैं, मरासम का मतलब रिश्ते होता है, आप लोग को सबको पता ही है। ये मरासम भी देखो शीशे हैं, टुकड़े जुड़ते नहीं बिखर करके, देख तो ले मुझे नजर करके, इश्क नाकाम दिल शफा समझे। बा साहब इतनी बार नाकाम हुआ है, ये हर बार सोचता है इससे इलाज हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एक शेर कर पढ़ता हूं मैं। इश्क नाकाम दिल शफा समझे, लुत्फ है पर इसे जहर करके, देख तो ले मुझे नजर करके। अगर आप लोग की इजाजत हो तो एक तहत में कुछ सुना सकता हूं। तो यहां पर दो माएं बैठी हुई हैं, तो एक माँ के ऊपर छोटी सी गजल कभी कही थी, वो कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। कभी सूरज बुलाती है कभी चंदा बुलाती है, कभी सूरज बुलाती है कभी चंदा बुलाती है, मेरी माँ आज भी मुझको वही लोरी सुनाती है, मेरी माँ आज भी मुझको वही लोरी सुनाती है। ये दुनिया की थकन ऑफिस के झगड़े भूल जाता हूं, ये दुनिया की थकन, आइए बैठिए प्लीज, ये दुनिया की थकन ऑफिस के झगड़े भूल जाता हूं, मां अब भी जब कभी सर पे मेरे उंगली फिराती है, मां अब भी जब कभी सर पे मेरे उंगली फिराती है, हुई जो आध घंटे देरी, हुई जो आध घंटे देरी तो शर्टें उलट रख के, समझिएगा एक बहुत जमीनी स्तर का शेर आपके सामने लेकर आ रहा हूं, हुई जो आध घंटे देरी तो शर्टें उलट रखे,
हुई जो आध घंटे देरी तो शर्टें उलट रखे वो अब भी देर होने पर ये टुटके आजमाती है, वो अब भी देर होने पर ये टुटके आजमाती है। मुझे उसकी बनाई रोटियां ही रास आती हैं। आंटी आप जुड़िएगा इस बात से, क्योंकि मुझे अगर आज की डेट में कोई भी कहीं पर भी मोटा कह दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी माँ के सामने कभी कोई बोल मत देना, पंगे मत लेना। मुझे उसकी बनाई रोटियां ही रास आती हैं, मुझे उसकी बनाई रोटियां ही रास आती हैं। खिलाती चार है तो वो मुझे बस दो गिनाती है, खिलाती चार है मुझको मुझे बस दो गिनाती है। वो कैसे आंख से, वो कैसे आंख को पल्लू से झट से पूछ लेती है, वो कैसे आंख को पल्लू से झट से पूछ लेती है। मैं जब बीमार पड़ता हूं तो वो आंसू छुपाती है, मैं जब बीमार पड़ता हूं तो वो आंसू छुपाती है। और कभी पूड़ी कभी पुए कभी हलवा बना करके, कभी पूड़ी कभी पुए कभी हलवा बना करके, है भी तीस और त्योहार घर में माँ बताती है, है भी घर में तीस त्योहार घर में माँ बताती है। और एक आखिरी शेर पढ़ रहा हूं मेरे उम्र के हर बेटे के लिए, या आज सर की उम्र तक भी अगर मैं पहुंच जाऊंगा तब भी मैं यही शेर कहूंगा। वो बस लेटी रहे, वो बस लेटी रहे कोने भी, वो बस लेटी रहे कोने में भी तो घर महकता है, वो बस लेटी रहे घर में, वो बस लेटी रहे कोने में भी तो घर महकता है। किसी भी उम्र में माँ घर को घर जैसा बनाती है, किसी भी उम्र में माँ घर को घर जैसा बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस, थैंक यू।